जनवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है, लेकिन ठंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में कल से भारी बर्फबारी हो रही है। इसका असर मध्य प्रदेश तक देखा जा रहा है। दिल्ली में 122 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। 122 साल बाद इस जनवरी में यहां 88.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। 1901 में मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आंकड़े जमा करने के बाद से पहली बार दिल्ली में जनवरी में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1989 में दिल्ली में साल के पहले महीने में 79.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में 30 साल बाद सर्दी ने जनवरी में हद कर दी है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में जमकर ठंड पड़ी है। भोपाल और जबलपुर में औसत कोल्ड डे करीब 4 गुना हो गए हैं। पहले यहां सामान्यतः 3 कोल्ड डे होते थे, जो बढ़कर 11 तक पहुंच गए हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें। शिमला में 10 इंच मोटी बर्फ गिरी। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला व मंडी की ऊंची चोटियों पर हिमपात और मध्यम व निचले इलाकों में बारिश हो रही है। शिमला में 10 इंच, कुफरी में 1.5 फीट, नारकंडा में 2.25 फीट, चौपाल के खिड़की, खड़ापत्थर में 2 फीट, रोहतांग पास में 3 फीट, नॉर्थ पोर्टल में 2.5 फीट, मनाली 1 फीट, भरमौर में 1.5 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रदेश भर में पिछले 15 घंटों से हो रही बारिश और बर्फबारी से 300 से अधिक सड़कें और 250 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर DTR ठप हो गए हैं। ऊंचे क्षेत्रों में आज दैनिक उपभोग की खाद्य वस्तुएं दूध, दही, मक्खन, ब्रेड व सब्जियों इत्यादि की सप्लाई भी नहीं पहुंच पाई है। सड़कें बंद होने से कई क्षेत्रों का शेष दुनिया से संपर्क कट गया है। इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिला में भारी से भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, जबकि शिमला और मंडी के ऊंचे क्षेत्रों को बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट तथा अन्य जिला में भारी बारिश व कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दे रखी है। 6 NH समेत 300 सड़कें बंद। प्रदेश में ताज़ा हिमपात के बाद दोपहर 6 नेशनल हाईवे NH सहित 300 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। राजधानी से अपर शिमला व किन्नौर को जोड़ने वाला NH 05 शिमला से रामपुर तक जगह जगह बंद पड़ा है। थियो ग्रोहड़ू NH, चंबा भरमौर NH, सैंजलूरी NH, ग्रानफू समदो NH तथा जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को देश से जोड़ने वाला NH भी जगह जगह अवरुद्ध हो गया है। सैकड़ों गांव अंधेरे में। प्रदेश भर में 250 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर ठप होने से सैकड़ों गांव अंधेरे में डूब गए हैं। बर्फबारी के कारण विद्युत लाइनों को भारी क्षति हो रही है। बिजली के बगैर हाड़ कंपा देने वाली ठंड में लोगों को अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। सेब के बागों के लिए संजीवनी बर्फबारी देख बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। सेब के बागों के लिए यह बर्फबारी संजीवनी का काम करेगी। इससे जमीन में मौजूद तमाम तरह के कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं और जरूरी चिलिंग अवधि पूरी हो पाएगी। इसी तरह कृषि उपज को भी इसका फायदा होगा। आगामी दिनों में गर्मियों के दौरान लोगों को पेयजल किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। पर्यटकों को एडवाइजरी। सरकार ने स्थानीय लोगों, सैलानियों और ट्रैकरों को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी के बीच फंसने, रास्ता भटकने और ठंड से जान गंवाने जैसी घटनाएं हो सकती है। इसी तरह बर्फ पर वाहन दौड़ाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने मौसम विभाग और स्नो एंड अवालांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट SSE ने लाहौल के ऊंचे क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच वैक्सीन लगाने पहुंचे हेल्थ केयर वर्कर्स। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हेल्थ केयर वर्कर्स भारी बर्फबारी के बीच लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे। उनके साथ भारतीय सेना के जवान भी थे। हेल्थ केयर वर्कर्स ने लोग के पास गांवों में लोगों को वैक्सीन लगाई।